हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिफरेंट तरह की ब्लाउज़ बना के दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है, आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैंने 14 इंचेस रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके शोल्डर की मार्किंग कर रहे थे, शोल्डर का हाफ लिया मैंने। फिर इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इससे मैंने निशान लगा दिया 6 इंचेस पे, एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। आप 7 से 8 इंचेस तक रख सकते हैं, तो आपका जैसे भी आपका जो भी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग करिए। तो देखिए, इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम इसकी बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4+2 का रखना है, मतलब आपकी जितनी भी बस्ट हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसमें 2+ कर दीजिए, फिर आपका मार्जिन आपका जो मेज़रमेंट है वो निकल आएगा। तो देखिए, इससे हम निशान एक ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसके वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4+2 इंचेस रखना है, आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसमें 2+ कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया है। इस तरह से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम मैंने कर दिया है। इसमें मैं डार्ट नहीं डाल रही, इसके बैक साइड में मैं कोई डार्ट पार्ट नहीं डाल रही हूँ। अब इसके आर्म होल की गुलाई का जो शेप देना है वो मैंने 1.5 इंचेस लिया है। तो देखिए, इस तरह से हम ये मेरे बैक का है इसलिए मैं 1.5 ले रही हूँ। अगर ये हमारा फ्रंट होता 1 इंच तक रखते हम। तो देखिए, इस तरह से मैं गुलाई का शेप दे दूँगी। आप चाहे तो शेपर की हेल्प से भी आर्म होल के गुलाई का शेप दे सकते हैं। अब हम जितने भी आउटलाइन है उसकी कटिंग कर देंगे। तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं रखना है, हम साइड से 1/2 इंच तक रख सकते हैं एक्स्ट्रा। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच डाउन कट कर लूँगी। अब मैं इसके नेकलाइन की मार्किंग करूँगी। तो ऊपर से मैंने 2.5 इंच रखी है, इसकी विड्थ और लेंथ मैंने इसकी 3.5 इंच रखी है। आप इसकी लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरह का बनेगा ये। तो इसलिए मैं ऊपर साइड जो जो ब्लाउज़ की जो लेंथ रख रही हूँ मैंने 3.5 इंच रखे हैं। देखिए, इस वजह से हम एक गोलाई का शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने एक गुलाई का शेप दे दिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा इस तरह से देखिए मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी। आप कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेम डिज़ाइन बनाइए। ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी अगर आप ये बनाते हो तो। ये जो ऊपर मैंने गला ड्रॉ किया है इसे मैं कट कर दूँगी। इसको कट करने के बाद जो नीचे वाला नेक है वो मैं नहीं कट करूँगी, वो मैं बाद में पेस्टिंग से बनाने वाली हूँ। अब मैं अपने इस लाइनिंग वाले फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसे पिनअप करूँगी। पिनअप करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ये कपड़ा आपका इधर उधर नहीं खिसकेगा और आप अच्छे से आप इसकी कटिंग भी कर लोगे और स्टिचिंग भी कर लोगे। अगर आप चाहें तो पिनअप करने की जगह आप सुई धागे से कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग करिए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउज़ के डिज़ाइन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आप मेरी और अच्छी अच्छी वीडियो देख सके। तो देखिए, ये मैंने पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये मेरी कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसके साइड में जो है स्टिच कर लूँगी, जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करती हूँ वैसा ही सेम इसमें भी वैसा ही मैं करूँगी। इसमें मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही ताकि जब मैं इसे टर्न करूँगी तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना होगी मुझे। तो इसको मैं छोटे छोटे कट्स लगा दिए मैंने। अब मैं इसे आपको साइड में मैंने जगह छोड़ी थी 2 इंच के लगभग, वहाँ से मैं इस फैब्रिक को टर्न करूँगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है कि मैं इसे कैसे करती हूँ, तो आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से टर्न करने से ये फ़ायदा होता है कि जो थ्रेड वगैरह है या फैब्रिक है वो नहीं दिखती है। तो देखिए, ऑलमोस्ट मेरा टर्न कर लिया, मैंने सीधी साइड पर टर्न कर लिया। अब मैं इसे आयरन कर लूँगी। तो देखिए, आयरन हो चुका है मेरा। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस। नेक बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर ले रखा है। इसको ड्रॉ करने से पहले हम जो हमने ब्लाउज़ ले रखी थी उसको मैं बीच में से फोल्ड कर लूँगी। फिर इसके बाद इसकी लेंथ और विड्थ देखूँगी कितनी है। तो लेंथ इसकी 8 इंचेस है और जो इसकी विड्थ है वो 4.5 इंचेस है। आप इसकी लेंथ और विड्थ अपने अकॉर्डिंग इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अब मैं इसको पेस्टिंग के ऊपर इस तरह इतने इसी के अकॉर्डिंग ही मेज़र करके ही ड्राफ्टिंग करूँगी। तो ये मैंने लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग ये पेस्टिंग कट करके रखी हुई है। अब मैं इसमें एक डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी राउंड शेप देते हुए, थोड़ा सा पूरा राउंड नहीं रहेगा, हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैं ड्रॉ करूँगी। आप कोई भी नेक डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे।
देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, तो जो अंदर से है उसे उसकी कटिंग करनी, इसे अलग नहीं करना है, कहीं से भी कोई कट नहीं होना चाहिए, जस्ट इस तरह से ही रहेगा ये। तो कटिंग कर लूँगी मैं इसके चारों तरफ से। ये जो नीचे साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक पेस्टिंग है उसे भी मैं कट कर दूँगी। आप चाहिए तो इस पर हल्का सा आयरन कर दीजिए, ये थोड़ा सा चिपक जाएगा, फिर इसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मुझे इस फैब्रिक पे इसे रख के पेस्ट करना है, आयरन से इस पे मैं पेस्ट कर लूँगी इसको। फिर अभी देखिए पेस्ट कर लिया मैंने, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, हाफ हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ दूँगी, फिर इसके बाद इसे मैं कट कर लूँगी पूरे पे, ज़्यादा फैब्रिक इसमें नहीं छोड़ना है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पेस्टिंग के ऊपर रख के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमने छोड़ा था इस पर रख के स्टिच करेंगे। तो ये मैं अभी इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है, इसे मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें इसका मिड चाहिए, तो मिड के लिए मैं इसमें चौक से बीच में निशान लगाऊंगी इसको फोल्ड करने के बाद। अगर आप चाहें तो इस पर आयरन कर देंगे तो भी आपको मिड मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसका मिड मिल चुका है। ऐसे ही सेम हमें जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट था उसमें भी हमें मिड चाहिए, तो इसको बीच में से मैंने फोल्ड करने के बाद इसको मैंने आयरन किया था, तो हमें मिड का निशान मिल गया है। अब ये सीधे साइड पे मैं हमारे जो ब्लाउज़ रहेगा वो सीधे साइड पे रहेगी, और जो हमने ये नेक बनाया था उल्टे साइड पे रख के इसको हम बीच में से पिनअप कर देंगे, जो हमारा मिड था दोनों को मिला के। आप चाहें तो हाथ की सुई धागे की हेल्प से भी आप इस पर सिलाई कर दीजिए, कच्ची सिलाई बीच में कर दीजिए, या फिर आप पिनअप कर सकते हैं ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ इसको। फिर मैं बीच ये जो पूरे मैं नेक को पिनअप कर दूंगी ताकि ये नेक इधर उधर ना खिसके और ये बराबर से दोनों तरफ रहे, तो इसलिए मैं इस पर पिनअप कर दूंगी। पिनअप करने से ये होगा जब हम कटिंग करेंगे तो ये फैब्रिक इधर उधर नहीं कटेगा, ना एक तरफ ज़्यादा ना एक तरफ कम रहेगा, दोनों तरफ बराबर ही रहेगा, तो इसलिए मैं इसे पिनअप कर रही हूँ। पिनअप करने के बाद देखिए पिनअप कर लिया मैंने, अब मैं इसके अंदर साइड पर सिलाई कर दूँगी। तो आइए मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे लगानी है। देखिए अटैच कर लिया मैंने, अब इसमें जो पिनअप किया था इसे मैं निकाल दूंगी। अब इसको मैं बीच में से ऐसे फोल्ड कर लूँगी, फोल्ड ताकि मुझे दोनों साइड पे बराबर से कट हो जाए इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो बीच में से इसे मैंने फोल्ड कर लिया, मैं इसे कट कर दूँगी। हाफ इंच के लगभग मैंने फैब्रिक छोड़ा है, देखिए इसे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं इसके चारों तरफ पे छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी, तो इस तरह से हम कट लगा देंगे। थ्रेड नहीं कटना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए मैंने कट कर लिया है इसके चारों तरफ पे। अब मैं जो इस फैब्रिक को अंदर साइड को टर्न करूँगी, बिल्कुल ध्यान से इसको करना है टर्न। तो देखिए इस तरह से हम इसे अंदर साइड को टर्न करेंगे, ये पेस्टिंग होने की वजह से अंदर साइड को अच्छे से ये टर्न हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। तो हम इसे अच्छे से टर्न करेंगे, इसे मैं अंदर साइड को इस तरह से टर्न करूँगी। हमने जो नोचेस लगाए थे, छोटे छोटे जो कट्स लगाए थे, उसकी वजह से ही अच्छे से टर्न हो जा रहा है। तो देखिए इसे समय से टर्न कर लें। टर्न करने के बाद इस पर मैं आयरन कर दूंगी। तो देखिए आयरन करने के बाद ये पूरी तरह से अच्छे से बैठ गया है। अब मैं इस पर मुझे जो हमें डिज़ाइन बनानी है उसके लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है। मुझे ये रेड फैब्रिक का हाफ ही चाहिए, तो मैं इसको जो हमारा ब्लाउज़ का पीस था इसको मैं अच्छे से हाफ रखूँगी इसके ऊपर। हाफ ही रखना है, पूरा नहीं रखना, सिर्फ हाफ ही रखेंगे। फिर हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे एक तरफ से। ये रेड वाला जो फैब्रिक है वो लाइनिंग का फैब्रिक है, इसका मेन फैब्रिक तो वो प्रिंटेड है, उसको मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी। तो पहले मैं इसकी आउटलाइन कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें इसकी आउटलाइन कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी आउटलाइन कर लिया मैंने। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये ब्लाउज़ के सिर्फ हाफ पार्ट में ही लगेगा, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने सेम ब्लाउज़ के ही पैटर्न पे कट किया है, यहाँ से नेक वाला फैब्रिक भी मैं कट कर दूंगी। तो देखिए ये कटिंग हो चुकी है मेरी। अब मैं इसको इसके जो ब्लाउज़ का पीस था इसके ऊपर रखूँगी,
और उसके बाद रखने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगी। एडजस्ट करने के बाद इस पर मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे कोटी टाइप होती है उस तरह की। तो देखिए इस तरह से हम इसकी डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा गोलाई का शेप देते हुए हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूंगी। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये कटिंग हो चुकी है मेरी। अब मैं जो हमारा मेन फैब्रिक है, जो प्रिंटेड फैब्रिक था, इसके ऊपर रख के इसको पिनअप कर लूँगी। मैं पिनअप कर लिया मैंने। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसमें मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा हुआ था। तो जैसे है वैसे ही मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से कटिंग करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। ये नेक की साइड है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है मेरी। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे पूरी तरफ पे। सिर्फ मैं साइड में इसके 2 इंच के आसपास जगह छोड़ूंगी। तो आइए हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए स्टिचिंग हो चुकी है मेरी। इससे मैंने सीधा भी कर लिया है। अब मैं इसको अपनी ब्लाउज़ के साथ जो हमारा मेन पीस था उसके ऊपर रख के इसको अटैच करूँगी। इसको अच्छे से पहले एडजस्ट करूँगी इसके ऊपर, अपनी ब्लाउज़ के ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं इसे पिनअप कर दूँगी ताकि इधर उधर ना हो, और जो मैं इसे स्टिच करूँ तो अच्छे से ये स्टिच हो जाए। तो अच्छे से इसको मैं पिनअप कर लूँगी। देखिए इस तरह से हम इसे पिनअप कर लेंगे। ये पूरे पे जितना है हमारा उतने पे ही हम इसे पिनअप करेंगे। यहाँ भी पिन से सिक्योर कर दूंगी। फिर इसके लास्ट में भी एक पिन लगा दूंगी ताकि ये इधर उधर ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पूरी तरह से पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, फिर नीचे बॉटम तक जाएंगे। तो आइए मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे 2-3 बार फिक्स कर दूंगी। फिर इसके बाद नीडल को उठा के हमें फिर यहाँ से सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे से रख के सिलाई लगाएंगे। ये सीधा सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसके साइड में भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए इसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद इसमें मैंने ये देखिए इस तरह का ये रिबन है, इसी ब्लाउज का ही था। अब मैं इससे इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसमें छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप चाहे तो फोक की हेल्प से भी आप इसमें छोटे छोटे प्लीट्स डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने गैदर्स नहीं डाले, इसमें मैंने छोटे छोटे प्लीट्स डाली हुई हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। जहाँ तक गले की डिज़ाइन है सिर्फ वहाँ तक मैं इसे बनाऊंगी। इस डिज़ाइन से ब्लाउज़ का थोड़ा सा अलग डिफरेंट सा लुक आएगा। आप चाहे तो पहले रिबन पे छोटी छोटी प्लीट्स बना लीजिए, फिर इसको अपनी ब्लाउज के साथ अटैच करिए। मैं इसे डायरेक्ट मशीन के साथ ही लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं बनानी, बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है इसमें, जो कि बहुत ईजी है ये। आप चाहे तो जो आपकी ब्लाउज़ का पीस हो या किसी चीज़ से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। आप लेस की हेल्प से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं ये जहाँ तक नेक थी वहाँ तक मैंने इसे बना लिया है। आप देख सकते हैं ये बनके मेरी पूरी तरह से रेडी हो गई है। इसके दूसरे साइड पर मैं लेस लगाऊंगी, जो कि मैंने गोल्डन कलर की लेस ले रखी है उसको मैं लगाऊंगी। तो उसे भी मैं अटैच करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा दिया है। और एक तरफ आप देख सकते हैं इसमें मैंने प्लीट्स बनाई हैं छोटी छोटी।
होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।